हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल जॉब सर्च पर। फ्रेंड, इस वीडियो में बताने वाला हूँ श्रेयांश सर्टिफिकेट को लेके आपका मन में जो डाउट है, उस डाउट को मैं इस वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगा। फ्रेंड, आपको सिर्फ इस वीडियो को सुलझन तक देखना होगा। और फ्रेंड, आप नया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद फ्रेंड, अपने तरफ से एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि जानकारी उन एलिजिबल कैंडिडेट के पास पहुंच जाए जो कैंडिडेट के मन में श्रेयांश सर्टिफिकेट को लेकर डाउट है। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड, श्रेयांश सर्टिफिकेट को लेकर आपका मन में दो क्वेश्चन है। फर्स्ट, श्रेयांश सर्टिफिकेट क्या है? सेकेंड, इसको आपको कहाँ से मिलेगा? फ्रेंड, इस वीडियो में इस दो क्वेश्चन के बारे में पूरा जानकारी हम आपको देंगे। आपको सिर्फ इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा। फ्रेंड, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, श्रेयांश सर्टिफिकेट क्या है, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। फ्रेंड, मान लीजिए कार और बाइक चलाने के लिए जो लाइसेंस की जरूरत होता है उसको हम ड्राइविंग लाइसेंस कहते हैं। ऐसा शिप और बोट, यानी शिप और बोट एक है। शिप चलाने के लिए जो सर्टिफिकेट की जरूरत होता है उसको श्रेयांश सर्टिफिकेट कहा जाते हैं। तो फ्रेंड, आपका मन में जो डाउट था फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर वो क्लियर हो चुका है। फ्रेंड, दूसरा जो क्वेश्चन है इसके बारे में हम जान लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इसको आपको कहाँ से मिलेगा, यानी श्रेयांश सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलेगा? फ्रेंड, श्रेयांश सर्टिफिकेट को लेके आपको पहले 3 साल का कोर्स होता है, इसके लिए तो उस कोर्स को आपको कंप्लीट करना होगा। ये जो सर्टिफिकेट है, इस सर्टिफिकेट आपको मिलेगा इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट संस्थान से, और इसका जो मेन ऑफिस है आसाम गुवाहाटी में, इसका मेन ऑफिस है। इसके लिए फ्रेंड, आपका एडुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ 10 पास चाहिए, और उसके साथ फ्रेंड एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन भी चाहिए। फ्रेंड, एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन में जो क्वालिफिकेशन चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड कंपनी में 3 साल का नाविक पद में काम करने का एक्सपीरियंस और उसके साथ फ्रेंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप इस श्रेयांश सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड, मतलब ये जो रिक्रूटमेंट हो रही है BSF में, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जो रिक्रूटमेंट हो रही है, इस रिक्रूटमेंट सिर्फ जल विभाग में किया जा रहा है। मतलब इस पोस्ट के लिए फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। मतलब जिसके पास सिर्फ एडुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसके पास एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन नहीं है, तो एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन जिसके पास नहीं है वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई करने के लिए नॉट एलिजिबल है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड, आपका मन में जो श्रेयांश सर्टिफिकेट को लेके जो डाउट था वो क्लियर हो चुका है। उसके बावजूद फ्रेंड, आपके मन में कोई सवाल या फिर डाउट है तो मेरे से कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी तरह से हेल्प करूंगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। साथ साथ अगर दोस्त आप नया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली इस पर गवर्नमेंट जॉब का न्यूज अपडेट करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।